सबसे पहले थैंक यू फॉर एवरी वन हू हैज बीन एन ऑडियंस. काफ़ी लोग लाइव भी जुड़े रहे ये प्रोग्राम के साथ और काफ़ी लोग ये मौसम में आए भी देखने के लिए. तो आई एज अ डॉक्टर मैं काफ़ी बार एज अ पेशेंट भी बनी हूँ, काफ़ी बार एज अ पेशेंट भी मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस लिए हैं. सो इट वॉज वेरी नाइस टू शेयर दिस एक्सपीरियंस एंड आई फेल्ट लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल वर सफरिंग एंड नो वन इज देयर टू टॉक अबाउट इट ओपनली. इसलिए मुझे ये प्रोग्राम रखना था कि लोग इसके बारे में और बात कर सके. मेंटल हेल्थ आज का नया पैंडेमिक बन गया है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है. तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि लोग इसको पब्लिकली बोले हाँ या सोशल मीडिया पर डाले हाँ मुझे सोशल डिप्रेशन है. वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पहले खुद एक्सेप्ट करें. वो लोग उसी में हार जाते कि मुझे कैसे हुआ डिप्रेशन, मुझे कैसे एंजाइटी हुआ, मैं कैसे सफ़र कर रहा हूँ. और बहुत लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि लोग पहले खुद से बात करें, खुद को ही आइडेंटिफाई करें. तो डिप्रेशन और एंजाइटी में इंसान समझ सकता है कि मैं सफ़र कर रहा हूँ. जो हम वो एक एक्सट्रीम साइड की बात करते हैं जहाँ इंसान को साइकोलॉजिकल इलनेसेस है बट दे आर नॉट एबल टू पिक अप, इट इज़ अनदर स्पेक्ट्रम ऑफ मेंटल इलनेसेस. बट इन डिप्रेशन एंड एंजाइटी लोगों को ऐसे बोलना कि आप पागल हो, अरे तुम मेंटल हो, नहीं है, ये करेक्ट वे नहीं है. I feel very proud. I of course see her every day at home, but you know when you see your loved ones do what they love and you know accomplish something like this, you know she's always been passionate about public speaking and there's a lot I learned from her. So when you know you see someone you love do what they love, you do get emotional. And I realized when she was out there talking that there are a few things about her that I do take for granted and that you know I should shed some light on myself at home. So honestly it was a really nice and loving moment for me as well. जी ये मेरा पहला फर्स्ट टॉक शो था. सो फॉर माई फादर टू बी देयर एंड सपोर्ट मी, इज ऑलवेज सपोर्टेड मी फॉर माई चाइल्डहुड ही एंड माई मदर. सो फॉर हिम टू बी देयर वॉज लाइक एज इफ आई एम हैविंग दिस इनविजिबल स्ट्रेंथ ऑफ पिलर. सो इट फेल्ट वेरी नाइस. आप लोग सब जानते हैं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और हर माँ ही होती है इतने सारे बच्चों की माँ. बट जब बच्चे अपने बच्चे जब कुछ अचीव करते हैं वो एक प्राउड मूवमेंट होता है जो आप इमोशनल हो जाते हो बच्चों को इतना अच्छा. और मैंने मुझे खुद पे भी प्राउड होता है कि हमारे बच्चे ना सिर्फ एक डॉक्टर या प्रोफेशन से हैं बल्कि एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं. और जैसा मेघना ने बोला कि मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू आज हमारे समाज में बन गया कि हर घर में कोई ना कोई डिप्रेशन एंजाइटी से गुजर रहा है बट लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे, इससे बात करने में झिझकते हैं. हम पूरे समाज को पूरे फैमिली को हम लोग को आगे आकर जो इस चीज़ से स्ट्रेस से गुजर रहे हैं एंजाइटी से गुजर रहे हैं उनका सपोर्ट बनना है, ना कि उनको पागल और ये सब बोलकर उनको इग्नोर करना है बल्कि उनका ताकत बनकर उनको इनसे निकालना है ताकि हमारा सोसाइटी हमारा देश एक बहुत ही अच्छा कर सकता है जब हम लोग सब हेल्दी हों मेंटली. बिल्कुल आपने देखा होगा. मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि बिकॉज शी इज माई बेस्ट फ्रेंड दैट्स वाई शी बींग माई मदर बिकम्स ईजी. सो दैट्स वाई वी आर एबल टू शेयर एवरी थिंग विद हर. थैंक यू. तो आपको आपके आंसर मिल गए. हम लोग माँ हैं डॉटर हैं बट उसके साथ सबसे पहले हम एक दूसरे के दोस्त हैं. आज हमारे दोनों बच्चे कुछ भी होता है लाइफ में वो हमारे पास आते हैं शेयर करते हैं और मैं चाहे कितनी भी थकी हुई हूँ उनके बात सुनती हूँ और उनको समझने का कोशिश करती हूँ. उनके एज में उनके सब जगह पे जाके उनके क्या बीत रहा है वो समझने की कोशिश करती हूँ. जब आप ऐसी सोच और ऐसी भावना रखते हैं तो आप अपने बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं. थैंक यू. आई थैंक यू. Thank you. Thank you.
कौन सा पॉजिटिव थिंकिंग जी? वातावरण में जाने के लिए पहले वातावरण मानसिक स्तर से बनाना पहले पड़ता है। तो अगर आपका मानसिक वातावरण, अगर आप जब घर पर आते हैं और एक मेसी कमरा है तो आपको घर आना पसंद आएगा नहीं, तो आपका दिमाग भी आपके कमरे जैसा, अगर आप उसको अच्छा नहीं रखेंगे, उसको मेसी रखेंगे, तो आपको खुद अपने टू कम बैक होम टू योरसेल्फ अच्छा नहीं लगेगा। तो वातावरण पहले खुद से शुरू होता है, फिर परिवार से शुरू होता है, फिर काम से और फिर देश से।